जल ही जीवन है, ये बात तो हम सभी ने सुनी होगी, लेकिन उस जल को बचाने के लिए कुछ कदम बढ़ाए जा रहे हैं जिसके बारे में हम जानेंगे आज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमृत सरोवर योजना की, जिसके बारे में कि उसको किस तरह से कार्य में लाया जा रहा है, ये सारी बातें हम जानेंगे सीडीओ आशीष भटगई जी से। सर, आप इस विषय में क्या बताना चाहेंगे? अमृत सरोवर योजना, जैसे आपने बताया, ये गतिमान है, तो जनपद के अंतर्गत इसमें 76 अमृत सरोवर निर्मित किए जा रहे हैं, और अमृत सरोवर में लगभग एक एकड़ का एरिया कम से कम एक अमृत सरोवर का है। तो इसके कई सारे उद्देश्य हैं अमृत सरोवर के। तो पहला तो इसमें जल संरक्षण और जल संभरण का जो हमारा कार्यक्रम है उसको ये पूरा करेगा, तो इसमें वाटर कंजर्वेशन की एक्टिविटी होगी। साथ ही साथ जो ये हमें हमारे अमृत सरोवर बन जाएंगे, तो उसके बाद जो हमारे NRLM के महिला स्वयं सहायता समूह हैं, तो उनको इसको दे दिया जाएगा, तो उनके माध्यम से इसमें मत्स्य पालन की गतिविधियों को संचालित किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो हमारे NRLM के स्वयं सहायता समूह हैं उनकी आजीविका का सृजन और संवर्धन होगा। तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी इसके द्वारा हो पाएगी, और ग्राम पंचायत को भी इसके माध्यम से कुछ ना कुछ आय होगी। तो ये गतिविधि वहाँ पर संचालित की जा रही है, साथ ही साथ अन्य विभागों के द्वारा भी उसमें कन्वर्जेंस किया जाएगा, तो उसमें चारों तरफ उसका ब्यूटिफिकेशन भी उसमें किया जाएगा, ताकि वो एक आकर्षण का केंद्र भी वो सरोवर जो है वहाँ पे बन सके। तो इसके लिए प्लांटेशन की गतिविधियाँ वो भी सब वहाँ पे की जाएंगी, साथ ही साथ हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको लगाने की व्यवस्था भी वहाँ पर होगी। तो यही सब चीज़ों के माध्यम से जो अमृत सरोवर है उसका निर्माण वहाँ पर किया जा रहा है। सर, तराई क्षेत्र में इसके लिए क्या कार्य जो किए जा रहे हैं उसके विषय? जैसा आप लोग जानते हैं कि तराई का रीजन है, तो जो वाटर टेबल जो होता है यहाँ पे आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम देखते हैं एक्सेसिव यूज यहाँ पर, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे काफ़ी हैं, उसके द्वारा किया जा रहा है, जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज किया जा रहा है काफ़ी अधिक मात्रा में, तो धीरे धीरे जो वाटर टेबल है वो डाउन हो रहा है। तो इसलिए तराई रीजन में भी वाटर को रिचार्ज करने की बहुत आवश्यकता है, तो उसके लिए भी जैसे हमारी अमृत सरोवर योजना है वो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। इसी के साथ साथ जो हम कैच द रेन का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसके माध्यम से भी वाटर कंजर्वेशन की गतिविधियां जो हैं वो अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट संचालित की जा रही हैं, तो इसमें रिचार्ज पेट, साफ्ट फार्म पॉन्ड वगैरह वो भी निर्मित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं और जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स वो भी बनाए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन की एक्टिविटी हम कर सकें। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।